सो हे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और गाइस, अगर आप दिसंबर महीने के अंदर अपने लिए एक अच्छा और परफेक्ट स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं 8 से 8,500 रुपए के अंदर, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले कुछ बेस्ट ऑलराउंडर फोन्स के बारे में, जो कि आपको मिल जाएंगे यहाँ पर 8 से 8,500 रुपए के अंदर। और जैसा कि दोस्तों हम सभी स्मार्टफोन्स की लिस्ट सिर्फ फीचर वाइज बनाते हैं, तो इस बार भी आपको यहाँ पर फीचर के हिसाब से काफी अच्छे फोन देखने को मिलने वाले हैं, जहाँ पर आपको डिस्प्ले, कैमरा, बैटरी, साथ ही साथ परफॉर्मेंस काफी बढ़िया देखने को मिलने वाली है। तो डे टू डे यूजर्स और साथ ही गेमिंग में आपको यहाँ पर कोई खास शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों, अगर आप यहाँ पर एक परफेक्ट स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं, तो एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। साथ ही वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। सो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है राम और गैजेट न्यूज हिंदी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैंने आपको बताया फीचर वाइज काफी अच्छे फोन देखने को मिलने वाले हैं, तो फीचर के हिसाब से गाइस आपको यहां पर एक फोन बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। हालांकि इस फोन को मैं आपको रिकमेंड तो नहीं करता, लेकिन दोस्तों अगर आपको ये फोन पसंद आया तो आप डेफिनेटली इस फोन को देख सकते हैं। दोस्तों, ये स्मार्टफोन होने वाला है यहां पर टेक्नो की तरफ से आने वाला टेक्नो स्पार्क 8। जी हाँ दोस्तों, अभी रिसेंटली ये स्मार्टफोन लॉन्च किया गया है इंडिया के अंदर। और गाइस, बात करें यहां पर स्मार्टफोन की, शुरू करते हैं बिल्ड क्वालिटी से, तो प्लास्टिक बिल्ड पर बना हुआ स्मार्टफोन है, लेकिन आपको यहाँ पर डिज़ाइन काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर 6.5 इंचेस की HD प्लस की IPS LCD डिस्प्ले का सपोर्ट देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको 480 नीट्स तक की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगी। तो आउटडोर में भी आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। साथ ही गेमिंग के लिए नॉर्मल 60Hz की रिफ्रेश रेट और 120Hz तक की टच सैम्पलिंग रेट देखने को मिल जाएगी। सबके पास देखेंगे तो आपको यहाँ पर कंटेंट वगैरह वॉच करने के साथ साथ आपको यहाँ पर स्मूथनेस में भी कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी। ओवरऑल आपको यहाँ पर डिस्प्ले काफ़ी बढ़िया देखने को मिलने वाली है। चलिए बात कर लेते हैं कैमरास की दोस्तों। तो यहाँ पर आपको बैक में 16 और साथ ही सेल्फी के लिए 8 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिल जाएगा। और अच्छी बात है कि दोनों ही तरफ आपको यहाँ पर ड्यूअल LED फ्लैश देखने को मिल जाता है। और गाइस, इस बजट के अंदर जितने भी स्मार्टफोन हमें देखने को मिलेंगे, एक ऐसा लौता स्मार्टफोन है जहां पर आपको नाइट मोड जैसे फीचर भी देखने को मिलने वाले हैं, और साथ ही आपको यहां पर 120 FPS तक की स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। तो गाइस यार, इस प्राइस पर ऐसे फीचर आपको देखने को नहीं मिलते हैं। साथ ही दोस्तों, आपको यहां पर फ्रंट और बैक कैमरा से फुल HD तक की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा 30 FPS पर। लेकिन दोस्तों, कैमरा आउटपुट की बात करें तो आपको यहां पर कैमरा आउटपुट नॉर्मल देखने को मिल जाएगा। बात कर लेते हैं अब यहाँ पर पावर हाउस की। तो 5000 mAh बैटरी के साथ में आपको स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है, जहाँ पर आपको 1 से 1.5 दिन का बैकअप आराम से मिलने वाला है। साथ ही जिसे चार्ज करने के लिए 10 वॉट का सपोर्ट दिया गया है, और चार्जिंग के लिए माइक्रो USB की पोर्ट देखने को मिल जाएगी। तो ओवरऑल जो बैटरी मॉड्यूल है वो भी आपको यहाँ पर डिसेंट देखने को मिल जाएगा, तो बैटरी मॉड्यूल से आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आएगी। चलिए बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की दोस्तों। तो इस फोन के अंदर हमें यहाँ पर MediaTek Helio P22 का चिपसेट देखने को मिल जाएगा, जो कि 12nm फैब्रिकेशन पर बना हुआ है। तो आपको यहाँ पर थोड़ी मोड़ी हीटिंग जरूर देखने को मिलने वाली है, लेकिन डे टू डे यूजर्स के लिए आपको यहाँ पर एक ऑक्टा कोर का चिपसेट दिया गया है। तो आपको यहाँ पर डे टू डे यूजर्स और साथ ही नॉर्मल गेमिंग में कोई शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। इन सभी के अलावा यहाँ पर आपको रियर माउंटेड वाला फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा। ट्रिपल कार्ड के स्लॉट दिए गए, तो आप यहाँ पर एक साथ में 2 4G SIM और 1 मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। साथ ही आपको यहाँ पर 3.5mm वाला जैक भी देखने को मिल जाएगा, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। और दोस्तों, ये जो स्मार्टफोन है ये आपको मिलेगा यहाँ पर Android 11 बेस्ड हाई OS 7.6 के गो एडिशन पर देखने को मिलेगा। तो जिसका मतलब कि आपको यहाँ पर ब्लॉटवेयर ऐप वगैरह भी काफ़ी कम देखने को मिलने वाले, तो जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है वो भी आपको अच्छा देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको यहाँ पर स्मार्टफोन के फीचर्स पसंद आए तो आप इस फोन को जरूर से देख सकते हैं। ये स्मार्टफोन आपको मिलेगा 2GB RAM 64GB इनबिल्ट मेमोरी के साथ में 7,999 रुपए की प्राइस पर। हिसाब से देखेंगे यार तो नॉर्मल यूजिंग के लिए अच्छा फोन होने वाला है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। हाँ दोस्तों, अगर आप हमारी थोड़ी सी हेल्प करना चाहते हैं तो सभी स्मार्टफोन्स के लिंक्स भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो अगर आप चाहें तो वहां से जाकर के जरूर चेकआउट कर सकते हैं। चलिए इससे बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अब यहाँ पर उन यूजर्स की जिन्हें डे टू डे यूजर्स के लिए एक अच्छा स्मार्टफोन परचेस करना है, साथ ही जिन्हें यहाँ पर ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी चाहिए, तो वो यहाँ पर देख सकते हैं पोको की तरफ से आने वाला पोको C31। शुरू करते हैं बिल्ड क्वालिटी से दोस्तों। तो प्लास्टिक बिल्ड पर बना हुआ स्मार्टफोन है, तो आपको यहाँ पर प्लास्टिक की फ्रेम, प्लास्टिक की बॉडी देखने को मिल जाएगी। साथ ही आपको यहाँ पर वाटर और डस्ट के स्प्लैश प्रोटेक्शन वाला फीचर दिया गया है, जिसका मतलब है कि आपका स्मार्टफोन हल्के फुल्के पानी में यहाँ पर सर्वाइव कर सकता है। तो ओवरऑल आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं होगी।
अब बात करते हैं यहाँ पर स्मार्टफोन के डिस्प्ले की, तो इस फोन के अंदर आपको यहाँ पर 6.5 इंच की HD प्लस की IPS LCD डिस्प्ले का सपोर्ट देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको पैंडा ग्लास का सपोर्ट दिया गया है। तो देखा जाए तो आपको यहाँ पर प्रोटेक्शन भी अच्छा देखने को मिलने वाला है, साथ ही आपको यहाँ पर गेमिंग के लिए नॉर्मल 60Hz की रिफ्रेश रेट और 120Hz तक की टच सैम्पलिंग रेट देखने को मिल जाती है। तो कंटेंट वगैरह वॉच करने के साथ साथ गेमिंग के लिए भी आपको यहाँ पर बढ़िया डिस्प्ले देखने को मिलेगी, डिस्प्ले से आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं होगी। कैमरास की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको बैक में 13+2+2 मेगापिक्सल के ट्रिपल रियर कैमरा का सेटअप देखने को मिलेगा, साथ ही आपको यहाँ पर 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। तो कैमरा मॉड्यूल आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है, साथ ही आप यहाँ पर फ्रंट और बैक कैमरा से फुल HD की रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30fps पर, और ओवरऑल आपको यहाँ पर कैमरा आउटपुट भी डिसेंट देखने को मिल जाएगा, तो कैमरा से भी आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। जहां तक बात है पावर हाउस की, तो इस फोन के अंदर आपको यहां पर एक डिसेंट बैटरी मॉड्यूल भी देखने को मिलेगा, 5000mAh की आपको यहां पर बैटरी देखने को मिल जाएगी, जहां पर आपको एक दिन का बैकअप काफी आसानी से मिलने वाला है, जिसको चार्ज करने के लिए 10 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा और चार्जिंग के लिए माइक्रो USB की पोर्ट देखने को मिल जाएगी। तो ओवरऑल बैटरी मॉड्यूल आपको यहां पर डिसेंट देखने को मिल जाता है, बैटरी मॉड्यूल से भी आपको यहां पर कोई शिकायत नहीं होगी। और अब बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की, तो इस फोन के अंदर MediaTek G35 का 12nm फैब्रिकेशन वाला चिपसेट देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको यहाँ पर डे टू डे यूज के लिए अच्छी परफॉर्मेंस दे देता है, साथ ही आप यहाँ पर नॉर्मल गेमिंग वगैरह भी काफी आसानी से कर पाएंगे, तो यहाँ पर भी आपको कोई शिकायत नहीं होगी। इन सभी के अलावा यहाँ पर आपको 3.5mm वाला खड्डा देखने को मिल जाएगा, साथ ही ट्रिपल कार्ड के स्लॉट दिए गए हैं, तो आप यहाँ पर एक साथ में 2 SIM और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, और साथ ही आपको यहाँ पर रियर माउंटेड वाला फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाएगा, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। और दोस्तों ये स्मार्टफोन आपको यहाँ पर एंड्रॉइड 10 बेस MIUI 12 पर देखने को मिलेगा, तो थोड़े मोड़े ब्लॉटवेयर ऐप और एड्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, लेकिन ओवरऑल सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर अच्छा देखने को मिलने वाला है, तो आपको यहाँ पर कोई खास शिकायत नहीं होगी। अगर आप यहाँ पर डे टू डे यूसेज के लिए कोई अच्छा स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। 3GB रैम 32GB इनबिल्ट मेमोरी के साथ में ये स्मार्टफोन आपको मिल जाएगा यहाँ पर 8499 रुपए की प्राइस पर, तो अगर आप चाहें तो डेफिनेटली इस फोन को देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको इस बजट के अंदर एक नॉन चाइनीज फोन लेना है तो आप यहाँ पर माइक्रोमैक्स का IN1B स्मार्टफोन जरूर से देख सकते हैं। इस स्मार्टफोन के अंदर आपको यहाँ पर MediaTek Helio G35 का ही चिपसेट देखने को मिलने वाला है, तो परफॉर्मेंस वगैरह आपको यहाँ पर बिल्कुल सेम देखने को मिलेगी, परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। इन सभी के अलावा इस फोन के अंदर आपको यहाँ पर 6.5 इंच की HD प्लस वाली IPS LCD डिस्प्ले का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जहाँ पर आपको कलर्स और ब्राइटनेस काफी अच्छा देखने को मिल जाता है, साथ ही गेमिंग के लिए आपको यहाँ पर नॉर्मल 60Hz की रिफ्रेश रेट और 120Hz तक की टच सैम्पलिंग रेट भी देखने को मिल जाएगी। तो जो डिस्प्ले है दोस्तों वो भी काफी अच्छी मिलने वाली है, डिस्प्ले से आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आएगी। कैमरास की बात की जाए तो यहाँ पर आपको 13+2 मेगापिक्सल के डबल रियर कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाएगा इस फोन के बैक में, 7 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा, और दोस्तों यहाँ पर भी आप फ्रंट और बैक कैमरा से फुल HD की रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30fps पर, और इसके अलावा कैमरा आउटपुट आपको यहाँ पर काफी अच्छा देखने को मिल जाएगा, तो कैमरा से आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए पावर हाउस की बात कर लेते तो यहाँ पर भी आपको 5000mAh की बैटरी देखने को मिलने वाली, तो 1 से 1.5 दिन का बैकअप यहाँ पर भी आपको काफी आसानी से मिलने वाला है। आदि ये फोन यहाँ पर 10 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है, 10 वॉट का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, और इसके अलावा चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट देखने को मिल जाएगी। तो और जो बैटरी मॉड्यूल है वो काफी अच्छा देखने को मिलने वाला है, तो बैटरी मॉड्यूल से आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आएगी। सभी के अलावा प्लास्टिक बिल्ड पर बना स्मार्टफोन है, साथ ही आपको यहाँ पर रियर माउंटेड वाला फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा, 3.5mm वाला जैक दिया गया है, और साथ ही दोस्तों ये स्मार्टफोन आपको यहाँ पर एंड्रॉइड 10 के गो एडिशन पर देखने को मिलता है कि क्लियर स्टॉक एंड्रॉइड के साथ में आता है, तो आपको यहाँ पर कोई भी ब्लॉटवेयर ऐप और एड्स भी देखने को नहीं मिलने वाले, जो कि काफी अच्छी बात हो जाती है। अगर आप यहाँ पर एक नॉन चाइनीज फोन ढूंढ रहे थे तो डेफिनेटली आप इस फोन को देख सकते हैं। ये स्मार्टफोन आपको यहाँ पर 2 वेरिएंट्स में देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर इसका 2 और 32 वाला वेरिएंट आपको मिल जाता है 7500 रुपए की प्राइस पर, लेकिन दोस्तों इसका जो 4 और 64 वाला वेरिएंट है वो आपको मिलेगा 8500 रुपए की प्राइस पर। साथ ही अगर आप यहाँ पर बैंक ऑफर्स लगा लेते हैं तो ये स्मार्टफोन आपको सिर्फ और सिर्फ 8000 रुपए की प्राइस पर मिल जाएगा। तो अगर आप चाहें तो डेफिनेटली इस फोन को यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर एक गेमर हैं और आपको यहाँ पर अच्छी गेमिंग करनी है इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से, तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ पर इन दोनों स्मार्टफोन के साथ में जाना चाहिए। हालांकि ये दोनों स्मार्टफोन आपको यहाँ पर थोड़े से महंगे देखने को मिलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर माइक्रोमैक्स की तरफ से आने वाले माइक्रोमैक्स IN2B की। प्लास्टिक बिल्ड पर बना हुआ स्मार्टफोन है, तो आपको यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी अच्छी देखने को मिलती है। इसके साथ में आपको यहाँ पर 6.5 इंच की HD प्लस वाली IPS LCD डिस्प्ले का सपोर्ट दिया गया है। कंटेंट वगैरह वॉच करने में आपको यहाँ पर कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी, साथ ही इस प्राइस के हिसाब से आपको यहाँ पर गेमिंग के लिए अच्छे डिस्प्ले भी देखने को मिल जाएगी, तो डिस्प्ले से आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं होगी। साथ ही उससे बात कर ले यहाँ पर कैमरा की, तो बैक में आपको यहाँ पर 13+2 मेगापिक्सल के डबल रियर कैमरा सेंसर देखने को मिल जाएंगे, और साथ ही आपको यहाँ पर 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने
मिल जाएगा, जहां पर दोस्तों आपको फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरा से फुल एचडी की रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा 30fps पर। और इसके साथ में आपको यहां पर कैमरा आउटपुट भी अच्छा देखने को मिल जाता है, तो कैमरा से आपको यहां पर कोई शिकायत नहीं होगी। बात कर लेते हैं अब यहाँ पर स्मार्टफोन के पावर हाउस की, तो इस फोन के अंदर 5000mAh की डीसेंट बैटरी का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जहाँ पर आपको 10 वोल्ट की चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा। और इसके अलावा चार्जिंग के लिए आपको यहाँ पर टाइप सी की पोर्ट देखने को मिलती है, तो ओवरऑल बैटरी मॉड्यूल भी आपको यहाँ पर अच्छा देखने को मिलेगा, तो बैटरी मॉड्यूल से भी आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं होगी। फाइनली अब बात करते हैं यहाँ पर स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस की, तो इस फोन के अंदर आपको यहाँ पर यूनिसॉफ्ट T610 का एक 12nm वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है, तो प्रोसेसर काफी अच्छा है, तो आपको यहाँ पर हीटिंग वगैरह काफी कम देखने को मिलती है, और साथ ही आपको यहाँ पर डे टू डे यूजेस और साथ ही गेमिंग के लिए काफी अच्छी परफॉर्मेंस भी देखने को मिल जाएगी। प्राइस के हिसाब से आपको यहाँ पर गेमिंग में भी कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलने वाली है, और साथ ही फ्रेंड्स ये स्मार्टफोन आपको यहाँ पर ट्रिपल कार्ड स्लॉट के साथ में देखने को मिल जाएगा, तो एक साथ में दो सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको रियर माउंटेड वाला फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा, और साथ ही ये स्मार्टफोन आपको यहाँ 11 बेस क्लियर स्टॉक एंड्रॉइड के साथ में देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पर आपको कोई भी ब्लॉटवेयर ऐप और एड्स का पंगा भी देखने को नहीं मिलने वाला, तो ये भी काफी अच्छी बात हो जाती है दोस्तों। तो अगर आप चाहें तो डेफिनेटली यहाँ पर एक बार स्मार्टफोन को चेकआउट कर सकते हैं। ये स्मार्टफोन 4 और 64 वाला वेरियंट आपको मिल जाएगा यहाँ पर 8999 रुपए की प्राइस पर, लेकिन अगर आप यहाँ पर थोड़े मोड़े बैंक ऑफर्स लगा लेते हैं तो ये स्मार्टफोन आपको 8 से 8500 रुपए की प्राइस पर मिल जाएगा, तो उस हिसाब से अच्छा फोन है। अगर आप चाहें तो इस फोन को जरूर से देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पर अगले फोन की, तो अगला जो स्मार्टफोन है ये भी आपको गेमिंग के लिए काफी तगड़ा देखने को मिलता है, और दोस्तों ये स्मार्टफोन है रियलमी की तरफ से ही आने वाला रियलमी नार्जो 30A। प्लास्टिक बिल्ड पर बना हुआ है, तो बिल्ड क्वालिटी आपको यहाँ पर अच्छी देखने को मिल जाती है, साथ ही आपको यहाँ पर 6.5 इंच की HD+ वाली IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जहाँ पर आपको 570 nits की पीक ब्राइटनेस का सपोर्ट भी दिया गया है, तो और दोस्तों आपको यहाँ पर डिस्प्ले काफी बढ़िया देखने को मिलने वाली, तो डिस्प्ले से आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं होगी। बात कर ले कैमरा की, तो यहाँ पर भी आपको बैक में 13+2 मेगापिक्सल के डबल रियर कैमरा सेंसर देखने को मिल जाएंगे, साथ ही 8 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरा से फुल एचडी की रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30fps पर, और इसके अलावा आपको यहाँ पर कैमरा आउटपुट भी अच्छा देखने को मिल जाएगा, तो कैमरा से आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं होगी। साथ ही पावर हाउस की बात करें, तो स्मार्टफोन के अंदर आपको यहाँ पर 6000mAh का बैटरा देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको 18 वोल्ट की चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा, तो ये काफी अच्छी बात हो जाती है। इसके अलावा चार्जिंग के लिए टाइप सी की पोर्ट देखने को मिलेगी, तो ओवरऑल बैटरी मॉड्यूल आपको यहाँ पर काफी अच्छा देखने को मिला, तो बैटरी मॉड्यूल से आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं होगी। तो बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की, तो इस फोन के अंदर आपको यहाँ पर MediaTek Hero G85 का एक 12nm वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है, तो आपको यहाँ पर हीटिंग वगैरह काफी कम देखने को मिलने वाली है, और साथ ही आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस काफी तगड़ी देखने को मिलेगी, तो डे टू डे यूजेस और साथ ही गेमिंग में आपको यहाँ पर काफी तगड़ी परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाली, तो आपको यहाँ पर गेमिंग में कोई शिकायत नहीं होगी। इसके अलावा दोस्तों ये स्मार्टफोन भी आपको यहाँ पर ट्रिपल कार्ड स्लॉट के साथ में देखने को मिल जाएगा, साथ ही यहाँ पर आपको रियर माउंटेड वाला फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, और ये स्मार्टफोन आपको यहाँ पर एंड्रॉइड 10 बेस्ड रियलमी UI पर देखने को मिल जाता है, तो ओवरऑल जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है वो भी आपको यहाँ पर अच्छा देखने को मिलेगा, तो सॉफ्टवेयर से भी आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं होगी। सो गाइस अगर आप चाहें तो यार एक बार स्मार्टफोन को भी चेकआउट कर सकते हैं। ये स्मार्टफोन अभी आपको मिल रहा है 3GB RAM 32GB मेमोरी के साथ में 8999 रुपए की प्राइस पर, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया बैंक ऑफर्स लगा करके आप इस स्मार्टफोन को भी 8 से लेकर 8500 रुपए के बीच में परचेस कर सकते हैं, तो देखेंगे यार, तो काफी तगड़ा फोन है, अगर आप चाहें तो इस फोन को भी जरूर से देख सकते हैं। सो फाइनली गाइज ये तो थी हमारी तरफ से टॉप 5 स्मार्टफोन्स की लिस्ट, लेकिन इनमें से आपको कौन सा पसंद है या फिर इनके अलावा आप यहाँ पर कौन सा स्मार्टफोन लेना पसंद करते हैं कमेंट्स में जरूर बताएगा। साथ ही अगर आपको यहाँ पर कोई डाउट है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, हम वहाँ पर आपकी क्वेरीज को रिप्लाई जरूर करेंगे। और इसके अलावा दोस्तों सभी स्मार्टफोन्स के लिंक्स भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप एक बार जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। उम्मीद है दोस्तों कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा, और हाँ दोस्तों हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपके डिवाइस पर टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।